नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ई गवर्नेंस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। ई गवर्नेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में, तो आइए इसे पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशंस, ट्रांजैक्शन। यानी कि ई गवर्नेंस जो एक एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, या किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, या कम्युनिकेशंस के ट्रांजैक्शन के लिए। आइए इसे आगे और पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, इट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। यानी कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं जिन पे हम ऑनलाइन गवर्नमेंट वर्क करते हैं, चाहे हमें मनी ट्रांसफ़र करनी हो, कोई फीस पेमेंट करनी हो, टैक्स भरना हो, वो सारे के सारे ई गवर्नेंस के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं कि ई गवर्नेंस का पर्पस क्या होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल, एग्जांपल गवर्नमेंट, सिटीजन्स, बिजनेसेस एटसेट्रा, एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना सभी के लिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स हो या बिजनेसमैन हो, एटसेट्रा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस के कितने टाइप होते हैं। तो पहला है G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से कनेक्ट किया जाता है, फिर चाहे वो लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। किस पर्पज़ के लिए? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के पर्पज़ के लिए। दूसरा टाइप है G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीज़न। इसमें सिटीजन और गवर्नमेंट को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑनलाइन टैक्स भरना या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होना, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, G2B, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस या बिजनेसमैन। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में डिस्कस होता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें या इसे कैसे इस्टेब्लिश करें इस पर्पज़ के लिए। और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ई टेंडर या ई फाइनेंशियल सपोर्ट इस वाले एग्जांपल में आते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ऐसा कनेक्शन या ऐसा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है गवर्नमेंट और एम्प्लॉय को, वो आते हैं इस कैटेगरी में। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भरना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे इस वाले कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ई गवर्नेंस के बेनिफिट क्या क्या होते हैं या बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। तो जब से ई गवर्नेंस आया है इसने करप्शन को रिड्यूस करा है। दोस्तों, हम पासपोर्ट्स बनवाने से लेकर टैक्स पेमेंट करने तक जब हम ऑफलाइन काम कराते थे तो हमें कितने ही ऐसे चक्कर काटने पड़ते थे या कितने ही ऐसे लोग थे जिनको पेमेंट करनी पड़ती थी इलीगली। तो ई गवर्नेंस ने वो करप्शन हटाया है क्योंकि अब हम डायरेक्ट ऑनलाइन तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हुआ करप्शन को रिड्यूस करा। दूसरा इसका बेनिफिट है हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अब आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है या कहां तक पेंडिंग में है। थर्ड पॉइंट की अगर इसमें हम बात करें तो इंक्रीज्ड कन्वीनियंस। आप चाहें तो कहीं से भी कभी भी अपना काम कर सकते हैं, तो एक कन्वीनियंस भी हुआ है। अगला पॉइंट है ग्रोथ इन GDP। तो ई गवर्नेंस से GDP में भी ग्रोथ हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो गया है तो इसने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है सिटीजन को गवर्नमेंट से, तो इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट से। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। दोस्तों, कोई भी काम जो हम कराने जाते थे वो पेपर वर्क होता था पहले, तो उसके पेपर का खर्चा, उसकी प्रिंटिंग का खर्चा, वो सारा काम कम हो गया, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट जो है इसकी रिडक्शन हो गई है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस में लास्ट पॉइंट की, यानी कि ई गवर्नेंस अंडर IT Act 2000। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ई गवर्नेंस के जो प्रोविजन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 10A के अंदर कवर होते हैं। बात करते हैं सेक्शन 4 की।
सेक्शन 4 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन की बात की जाती है वो की जाती है सेक्शन 4 के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 5 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनके लीगल रिकॉग्निशन की बात की गई सेक्शन 5 के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 6 यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, यानी कि इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज़ गवर्नमेंट वर्क में या उसकी एजेंसीज के अंदर। तो उसमें अगर हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हमें डालना होता है तो उस प्रोविजन के बारे में बताया गया सेक्शन 6 के अंदर। अगला है सेक्शन 6A डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ऑथराइज कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है सर्विस को डिलीवरी करने के लिए, उस प्रोविजन के बारे में बताया गया इस सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन 7 की तरफ, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्टेन टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिटेन करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, तो उस प्रोविजन की बात की गई है सेक्शन 7 के अंदर। बात करते हैं सेक्शन 7A ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मैटर्स को ऑडिट और मेंटेन करने का जो प्रोविजन है वो बताया गया सेक्शन 7A के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजट, तो इस सेक्शन में बताया गया है कि मैटर शैल बी पब्लिश्ड इन सेटिस्फाइड मैनर, यानी कि जो भी मैटर है, जो भी डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश किए जाने हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन सेटिस्फाई मैनर में पब्लिश किए जाने चाहिए, उस प्रोविजन के बारे में बताया गया सेक्शन 8 में। अब बात करते हैं अगले सेक्शन यानी कि सेक्शन 9 के बारे में, तो इसमें बताया गया सेक्शन 6 7 एंड 8 नोट टू कन्फर राइट्स टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि इसमें बताया गया कि सेक्शन 6 7 और 8 में जो बताए गए राइट्स उन सारे डॉक्यूमेंट को शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे प्रोविजन जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सेप्ट किए जाने चाहिए, उसके बारे में बताया सेक्शन 9 में। अगला है सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को किस टाइप में रखना है, किस मैनर में रखना है, किस फॉर्मेट में डिजाइन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पावर के बारे में बताया गया इस सेक्शन में। अगला सेक्शन है सेक्शन 10A वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैनर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितनी होगी, क्या होगी, उसके मैनर क्या होंगे, उसके बारे में बताया गया इस सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो जो कवर करती है पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अंडर IT एक्ट। दोस्तों इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कि आपको समझने में और भी आसानी हो। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक हमारी वीडियोस देखते रहें और हमारी वीडियोस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।